जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है और आज हम आगे बढ़ेंगे हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव ऑटो सजेशन। मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव ऑटो सजेशन ये जो वो फंडा है जो मेजोरिटी ऑफ द ब्रिलियंट ब्रेन को एवरेज बना के रखा है। टैलेंट बहुत है क्या? आपने आपके आसपास ऐसे लोग देखे जिनमें टैलेंट बहुत है? टैलेंट बहुत है फिर भी वो एवरेज है। क्यों? नेगेटिव ऑटो सजेशन। व्हाट्स द वर्ड? नेगेटिव ऑटो सजेशन। सुबह सुबह जाग गए और अंदर से एक सजेशन आया, 5 मिनट और सोते हैं। ओके, एक बढ़िया सी आइडिया आई आपके दिमाग में, अंदर से एक सजेशन आया, बाद में करते हैं। आपको लगा ये एक बहुत एक्सरसाइज, मान लो कि आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, अंदर से एक सजेशन आया कल से करते हैं, है ना? आपने एक बहुत मेहनत करके बढ़िया सी कोई पेंटिंग बनाई, कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई आर्ट वर्क किया, कोई सोशल वर्क के बारे में प्लान किया, जो भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने की सोची, अंदर से आवाज आया शायद लोगों को पसंद नहीं आए, ये अंदर बैठा कौन है यार, है ना? कौन बैठा है अंदर और वो कैसे सजेशन देता है? जरा इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है, इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। ओके, अब कैसे है? बंधुरात्मना आत्मानं येन आत्मना आत्मासीत् अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता एव शत्रुवत्। जय श्री कृष्णा। तो भगवान कृष्ण ने अध्याय 6 भगवत गीता का अध्याय 6 श्लोक 6 में यह कहा है कि हे पार्थ। अब पार्थ यानी कौन? आप, मैं, जो सुन रहा है वो पार्थ। अभी मैं भी सुन रहा हूं ना ये बातों को, जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं सुन भी रहा हूं, तो मैं भी पार्थ, आप भी पार्थ। तो भगवान कृष्ण ने यह कहा, हे पार्थ, तुम्हारा मन तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और यदि ये बात सच नहीं है तो तुम्हारा मित्र तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ शत्रु बना रहेगा। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, बाकी लोगों को जज करे ना करे, बाकी लोगों के प्रति ऑब्जर्वेशन रखे ना रखे, बाकी लोगों के प्रति ओपिनियन बनाए ना बनाए, आपका आपके मन के साथ जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत 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 डेलिकेट है, बहुत डेलिकेट है। कितने लोगों ने ये अनुभव किया? दो थॉट हमेशा चलते रहते दिमाग में, पहला और एक ऑटो सजेशन वाला, है ना? हम सोचते हैं और अंदर से वो भी सोच हमारी, ये भी सोच हमारी, है ना? ये तो शोले पिक्चर का अमिताभ बन गया ना, चित भी मेरी पट भी मेरी। कितने लोगों को पता है शोले पिक्चर में अमिताभ ने एक बार भी टॉस नहीं हारा, है ना? ये साइड भी मेरी, ये साइड भी मेरी, तो वैसे बन गया। और वो हमें जरूरी है कि इसके प्रति सजग रहे, इसके प्रति सजग रहे। ओके, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात क्या है? आपको ये पता होना चाहिए आपका मन कैसे सजेशन देता है, कैसे सजेशन देता है। अगर वह सजेशन नॉन प्रोडक्टिव है तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, मान लो कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, ऐसी मन के साथ बात करनी चाहिए, अपने मन के साथ। तो क्या आप आपके मन के लिए कोई अच्छा सा नाम ढूंढ सकते हो? मन के लिए एक नाम ढूंढो। मराठी में ना एक मूवी आई थी, गलगले निगाले। ओके, तो वो मूवी में वो व्यक्ति खुद के साथ ही बात करता है, यानी मान लो वो किसी को मिलने जा रहा है और उसके मन में ऐसे सामने किसी को देखा और उसके मन में विचार आया, क्या फालतू ड्रेसिंग की है इसने। विचार आया तो वो खुद को बोलते, गलगले ऐसा नहीं बोला इसे, हाँ तो खुद की बात करता है, गलगले ऐसी बात नहीं करनी है, अच्छा नहीं है। ओके, वो किसी लेडी को मिलने जाता है, बेल बजाता है, लेडी दरवाजा खोलती है और उसके मन में विचार आता है कि ये कितनी सुंदर लेडी है, वो खुद से बात करता, गलगले ऐसे नहीं कहना, आप यहाँ किस लिए आए हो, है ना? वो ऐसे खुद से बात करता है। ओके, वो खाना खाने बैठता है और उसको लगता है कि आप बकवास खाना बनाए, है ना?
वो खुद को सब बात कर, गलगले इतनी मेहनत से बनाया है इन्होंने, ऐसी बात नहीं करते ना, है ना, अरिवेटिक मैपन। तो वो खुद से बात करता है, वो खुद से बात करता है। किसी दिन ना कोई उसको यानी चलते चलते कोई धक्का मार देता है तो उसको लगता है इसे मारना चाहिए, फिर वो गलगले को बोलता है, गलगले ऐसी ऐसी बात आपको सोचा नहीं, शोभा नहीं देती, क्या आप बच्चे को मारोगे, बच्चा है, गलती हो जाएगी। फिर वो बोलता है हाँ गलगले ये बात ठीक है। तो आपके अंदर वाले को कुछ नाम दे दो आप। ओके, तो जैसे आप सुबह 4:30 बजे उठो और वो अंदर वाला बोलेगा कि 5 मिनट और सोना है, तो उसको बोलो गलगले ये क्या है, रात भर सो गए ना, 8 घंटा हो गया, अभी 5 मिनट क्यों चाहिए आपको। स्टडी को बैठे गलगले बोलते, यार बोर हो मैं, गलगले अरे अभी तो बैठे हो, अभी तो बैठे हो, इतनी जल्दी क्यों बोर हो रहे हो, है ना, एक्सरसाइज कर रहे हो मान लो, है ना, एक्सरसाइज करते वक्त पता नहीं कहां से वो अंदर से आता है, अरे बस हो गया, गलगले तुम्हारी बॉडी है, फिट रखनी पड़ेगी ना तुमको। तो ये गलगले को कुछ नाम दे दो और उसको बोलो, मान लो कभी कभी वो सजेशन देगा, अच्छे से सजेशन देगा, डिसिप्लिन वाले सजेशन देगा, पॉजिटिव वाले सजेशन देगा। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड आ गए, है ना, तो गलगले बोलेगा चल यार एक कार बदल देते हैं अभी, है ना, ऐसे हुआ। मैं ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते करते से आई वॉज टू बाय होंडा सिटी, ओके, और मैं निकला और खुद को रोक लिया मैंने साल भर के लिए। मैंने कहा ऐसे भी घर में ही बैठे हैं, ओके, साल भर में 2 लाख से कीमत कम हो जाती है बड़ी गाड़ी की, है ना, बैठे बैठे गाड़ी की कीमत कम हो जाती है। तो मैंने बोला चलो खुद को 2 लाख का गिफ्ट देते हैं, बचाते हैं पैसे, और फिर मैंने वो प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। अदरवाइज मैं निकला था, बात करके कलर वलर भी फ्रीज कर दिया था। मैंने बोला गलगले थोड़ा रुको, कहाँ घूमने जाओगे अभी, और हुआ वैसे ही, साल भर से यही बैठा हूं। है ना, तो कई बार ये जो सजेशन आते हैं कुछ अच्छे होते हैं कुछ निगेटिव होते हैं, बट जब तक आप खुद के साथ अवेयर नहीं हो कि ये आपके साथ हो रहा है। अब ये जो मैंने गलगले के पूरे एग्जाम्पल दिए ना मूवी में से, क्या आपने आपके लाइफ में ये एग्जाम्पल फील किए हैं? आया ना, यस। तो ये एग्जाम्पल हमारी लाइफ में भी होते हैं, है ना, कभी कभी किसी कोई दोस्त आ जाता है अपना, फ्रेंड फ्रेंड या फ्रेंडी जो भी बोलोगे, फ्रेंड ही होते हैं ना, फ्रेंड इज फ्रेंड इन बोथ द मेल एंड फीमेल, दोनों को फ्रेंड बोलते हैं ना, है ना, दोस्त और दोस्त। तो मान लो आपका फ्रेंड आया है या आपकी फ्रेंड आई है और आपको देख के लग रहा है यार ये कितनी बकवास है और इसको क्यों मिल रहा हूं मैं, अंदर से आवाज आती है ना कभी कभी, आ गई बोर करने, उसको बोलना गलगले दिस इज नॉट द वे, है ना, अब इतने प्यार से कोई मिलने आया तो मिलो उनको। तो ये है ऑटो सजेशन। मुझे उम्मीद है मैं बहुत ही सरलता के साथ ये बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं। अब ये अंदर वाले को पहचानो, उसको एक नाम दो जो कि आपके नाम से अलग होना चाहिए, आपके नाम से अलग होना चाहिए। जैसे मान लो गांधारी ने 2 नाम रखे थे दुर्योधन के, एक नाम था सुयोधन, एक था दुर्योधन। कभी पढ़िए गांधार राज्य की राजकुमारी कैसी थी, है ना, तो एक नाम था सुयोधन, एक नाम था दुर्योधन। तो जिस दिन दुर्योधन कुछ अच्छा काम करता वो कहती आओ सुयोधन बेटा आओ, ओके, और जिस दिन वो सुयोधन नहीं कहती, दुर्योधन को पता चल जाता कि आज का काम मम्मा को अच्छा नहीं लगा। आया ना, इसी तरीके से आपको आपके मन के साथ, आपको आपके मन के साथ बात करनी है, उसको एक नाम देना है। हो सकता है वो आपका ही दूसरा नाम हो, हाउ मेनी ऑफ यू नो मेरा नाम संजू है, पता है आपको, ओके, तो मेरा नाम संजू है और मेरा नाम आरसी भी है, तो मैं मेरे 2 रूप मेंटेन कर सकता हूँ, है ना। नॉर्मली मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में फैमिली सर्कल में संजू नाम से लोग जानते हैं मुझे, ओके, और प्रोफेशनल सर्कल में और ये आध्यात्मिक सर्कल में मुझे लोग आरसी या आरसी सर नाम से जानते हैं।
तो अभी जैसे मैंने लगाया ये पिछले टॉपिक को टच करने वाला आरसी और आरसी सर, मैंने मेरे नाम के सामने सर जोड़ा है ना, तो ये ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस पे आप चिंतन करो है ना। तो पॉइंट मैं आपको ये बता रहा था कि हमें हमारे ही दूसरे रूप को समझना है, हमें हमारे ही दूसरे रूप को समझना है। अब ये समझना क्यों जरूरी है, कुछ मिनटों में समझने का प्रयास करते हैं। ये हमें रोकता है। अब इस वक्त मेरे स्क्रीन पे दो चार लोग मुझे देख रहे हैं, कम से कम 3 लोग तो मैं देख रहा हूँ, जो ऐसे बड़ी मेहनत करके खुद को ना एवरेज बनाए रखते हैं, रोके रखते हैं, ग्रो नहीं होने देते। चलो स्माइल करने के लिए धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, है ना। तो मेहनत करके एवरेज बने रहते, फुल टैलेंट भरा पड़ा है, पर ट्राई नहीं करते, क्योंकि वो अंदर का गलगले बोलता है, अरे नको, लोग क्या बोलेंगे, ये मत करना, वो मत करना, रुक जाओ, गलती मत करना। अरे एक्चुअली इट हैज टू बी अदर वे अराउंड, फेल फास्ट, जल्दी से गलतियां करो, जल्दी से आगे बढ़ो, है ना। और मैं ये बार बार बताता हूँ, हम यार पहला कदम चले थे तब भी कई बार गिरे थे, हाँ या ना, हाथ दिखाए, बट ये ऑटो सजेशन रोकते, ये पूरा पकड़ के रखते, है ना। कभी कभी मैंने वो फोटो दिखाया था, एक बड़ा हाथी छोटी सी रस्सी से बंधा है, क्या वो बंधा है या क्या वो खुला है, दोनों का आंसर यस आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन बात कर रहा है। तो ज्यादातर ऑटो सजेशन, प्लीज नोट करना मेरी बात को, इफ नीड बी लिख के रखे, ज्यादातर ऑटो सजेशन आपको बेइज्जती से बचाते हैं, दुर्घटना से बचाते हैं, हाँ या ना। बट ज्यादातर दुर्घटनाएं उनकी पॉसिबिलिटी ही कम होती है, तो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर हाईवे पे गाड़ियां चलेगी तो कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा, नेचुरल बात है, बट इसकी वजह से कोई हाईवे पे ही ना जाए तो क्या होगा। जस्ट इमेजिन, एवरीवन थिंक्स कि हाईवे इज नॉट सेफ, कोई नहीं जा रहा है कहीं पे, लोग पैदल जा रहे हैं। तो मेरी एक मीटिंग है दिल्ली में, एंड आई एम गोइंग बाय वॉक, जस्ट इमेजिन, बाय कार या बाय ट्रेन जाना भी मूर्खता है, अगर आपके पास चॉइस है तो। 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं बाय एयर, है ना। अब अगर कोई 2 दिन लगा रहा है, 1.5 दिन लगा रहा है, 1 दिन लगा रहा है, 5 दिन लगा रहा है, तो नहीं चलेगा ना। तो कई बार ये ऑटो सजेशन है ना, वो खुद को रोकते हैं, रोकने के लिए अननेसेसरी इरेशनल भय पैदा करते हैं ऑटो सजेशन, नेगेटिव ऑटो सजेशन, इरेशनल भय। एग्जाम्पल, 5 AM क्लब के मंच पे स्पीकर की बात करता हूं मैं, क्या आपने देखा पिछले 200 कितने 42 दिनों में, आज का 242nd डे है, ओके, क्या आपने देखा कि किसी ने किसी स्पीकर का मजाक उड़ाया है कभी। हाँ अच्छा, क्या आपने देखा स्पीकर को लोग एनकरेज करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। क्या आपने ये भी देखा, एग्जाम्पल निशा जैसे जिन्होंने पहली बार प्रेजेंटेशन दिया था, रचित, अथर्व, सो मेनी ऑफ देम, है ना, कई सारे आए थे। इवन कई बार तो इन बच्चों को उनके सेशन के तुरंत बाद मैंने 10-15 मिनट का गाइडेंस भी दिया, आया ना, हमने इनकरेज किया, बार बार उनकी पीठ थपथपाई, और दैट इज हाउ आज वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। 7.5 महीने बाद ये, जो कहते 7.5-8 महीने बाद ये हम इस लेवल पे पहुंचे, है ना। पर ये ऑटो सजेशन अगर बच्चे सुनते तो खुद को रोकते हैं, क्या है, खुद को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चैट बॉक्स में तो एक मैसेज भी आया मुझे पर्सनल पे कि मुझ में काफी सारे बदलाव आए, क्रेडिट गोज टू यू, ओके, तो क्रेडिट गोज टू यू मतलब क्रेडिट गोज टू मी, ऐसा उन्होंने लिखा है ना। तो थैंक यू आपका, आपकी नम्रता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये विजय जो है वो आपके ही एक मन की दूसरे मन के साथ पार्टनरशिप वाली विजय है, जीतना नहीं है उसके साथ, पार्टनरशिप करनी है, ग्रोथ पार्टनरशिप, एक जीते दूसरा हारे तो दोनों हार गए। अब ये जीवन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, एक जीते दूसरा हारे तो दोनों हार गए, हमेशा याद रखना, एक जीते दूसरा हारे तो दोनों हार गए, फिर से, एक जीते दूसरा हारे तो दोनों हार गए,
लाइफ का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है ये, कभी वन साइडेड जीत का ट्राई ना करना, स्पेशली रिलेशनशिप में। प्लीज 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 नोट करें इस बात को, बहुत जरूरी है। यारी दोस्ती है, फैमिली रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप है, एक जीते दूसरा हारे तो दोनों हार गए। ओके, तो मन का भी ऐसे है, तो मन को ऑटो सजेशन है ना, तो उसको पूछो, उसको पूछो गलगले, क्या किस बात का डर लग रहा है आपको, बताओ जरा, है ना। यस, ट्राई टू मेक इट विन विन, एब्सोल्युटली राइट बेटा, यस दैट इज व्हाट विन विन। ओके, आई एम ओके, यू आर ओके वाली स्थिति करनी है, आई एम ओके, यू आर ओके। अगर मन में कोई डर है तो प्रैक्टिस करो यार, क्या है, किसने रोका है। इवन फाइम क्लब में तो मैं आपको बताता हूँ, आप अगर ग्रुप में मैसेज करो मुझे एक पार्टनर चाहिए, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, तो आपको मिल जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अगर देखो तो क्षितिजा, निशा, अथर्व, रूमा, रचित, और कौन है आपकी टीम में, स्वराली और पाटिल साहब, है ना, शायद तन्वी की भी एंट्री हो रही है वहां पर। तो ये सब बच्चे जो है वो आपस में कंट्रीब्यूट करके इस क्लब को बहुत अच्छा चला रहे हैं ना। अब स्टार्टेड विथ वन पर्सन, क्षितिजा, इट वॉज क्षितिजा। अब आज अगर किसी कारणवश वो नहीं आती है तो भी चीजें मस्त चलती है, स्मूथ चलती है। हर पैरामीटर में हमारे पास कम से कम दो लोग है, मेडिटेशन वाले दो, ग्रेटिट्यूड वाले दो, जर्नलिंग वाले दो, गोल सेटिंग वाले दो, है ना। दैट इज हाउ ये पार्टनरशिप से, और हम सीखते हैं। शुरुआत में कई लोगों को लगा, इवन अथर्व को, अगर आप फाइम क्लब पुराना देखोगे तो मैंने अथर्व को बहुत भाषण दिए गोल सेटिंग के वक्त, ये शब्द का प्रयोग करो, ये शब्द का प्रयोग मत करो, ऐसे बात करो, वैसे बात करो, and that is how हम ग्रो कर रहे हैं, है ना। एंड यही जरूरी है, इफ नीड बी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, अपने मन के साथ भी दोस्ती करो। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेना, मन की गति क्या है पता है, मन या विचारों की गति, विचार यह एकमात्र चीज है जो शायद लाइट से फास्ट ट्रेवल करती है। ओके, इसको मैंने शायद कहा क्योंकि लाइट की गति भी बहुत ज्यादा है ना, 7 सेकंड में सूरज से पृथ्वी तक आती है, तो लाइट भी कोई ऐसा चिल्लर वाला काम नहीं है। बट शायद विचार लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करते होंगे, पार्ट वन। पार्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट ये है, विचार रैंडमली किसी भी दिशा में घूम सकते हैं जो कि लाइट नहीं कर सकती। प्रकाश इधर से उधर जा रहा है, अब उसका मूड बदला, वो उधर से वापस इधर आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता प्रकाश के साथ, हो सकता है क्या। जस्ट इमेजिन आपने टॉर्च लगाई, लाइट उधर जा रहा है और फिर घूम के ऐसे इधर इधर जा रहा है, जिगजैग है, एस शेप में, होगा क्या, नहीं। विचारों का ऐसे हो सकता है, विचार कहीं भी जा सकते। अब इसी वक्त हम फैन क्लब में है, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अचानक हमें विचार आता है ये कोयल कितना प्यारा गीत गा रही है ना, आवाज आ रही है आपको, वो विचार आ सकता है। फिर पेड़ों का विचार आ सकता है, ओके, फिर क्या क्या हजार विचार आ सकते हैं, हो सकता है ये हमारा छोटा सा बच्चा भी थोड़ी देर बाद आवाज देना शुरू करे, नॉर्मली हो जाना चाहिए था उसका अब तक शुरू। तो विचार, अब आखिरी प्रिंसिपल ऑटोसजेशन के मैनेजमेंट का, शायद इस पे एक बुक भी लिखी गई है, द 5 सेकंड प्रिंसिपल, 5 सेकंड रूल। ओके, ये बुक लिखी गई है, अथर्व बात करने वाले थे, हो गई क्या बात अथर्व की इस टॉपिक पे, यस। ओके, तो 5 सेकंड रूल जो है ना, अब वहां पे जो बताया गया है वो तो ठीक है, बहुत अच्छा है, डिटेल में पढ़ सकते हो बुक आप, या अथर्व की बुक समरी को फिर से सुन सकते हो। बट एक सिंपल सजेशन मैं आपको बताता हूँ, विचार आया आपको तुरंत उसको कैटेगराइज करना है, तुरंत कैटेगराइज करना है, इज इट अ पॉजिटिव ऑटो सजेशन और नेगेटिव ऑटो सजेशन। ओके, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो उसको कंटिन्यू करें, नेगेटिव है तो तुरंत वहां से निकल जाए, तुरंत गलगले को बोले गलगले ऐसा नहीं करने का, आप दोस्त हो ना मेरे। ओके, एंड दैट इज हाउ हम आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है। अब मैं बताता हूं सम ऑफ द कॉमन प्लेसेस जहां ऑटो सजेशन से काम चलते हैं। गाड़ी चला रहे हम, हमारे पूरे डिसीजन ऑटो सजेशन पे होते हैं ना, ऑटो सजेशन पूरे डिसीजन। नहीं तो गाड़ी के सामने कोई आया उसको बोलना वेट, गाड़ी को बोलना वेट, लेट मी थिंक, गलगले आपको क्या लगता है, ब्रेक मारना चाहिए या लेफ्ट से जाना चाहिए
ऐसा होगा तो कैसे होगा, है ना? बराबर है। एग्जाम्पल, आप बैठे हो और इधर से कोई मक्खी आई, तो आपका हाथ अपने आप घूमता है। आप सोचते हो कि ओके, मक्खी आंखों के बाद बाजू में इधर 70 डिग्री पे इस हाइट पे है, लेट बी कैलकुलेट, अब उसको मारना है या करना है, ऐसा नहीं करेंगे ना। इवन मैं आपको बताता हूँ, ऑटो सजेशन का एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल, मुझे क्या नजर आता है, से मैं ऑकेजनली चाय बनाता हूँ, यू नो ऑकेजनली आई मेक टी, बट आज भी मैं चम्मच के वजन से और वो साइज से पता चल जाता है मुझे कि शक्कर कितनी डालनी है। और इतना फास्ट ये काम होता है ना जब मैं चाय बनाता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि चम्मच बदल गया तो भी, जजमेंट पे मेरी चाय एकदम परफेक्ट बनती है। कितने कप बनानी है वो भी बनती है, शक्कर और क्या कहते हैं चाय पत्ती दूध भी परफेक्ट जाता है। गैस पे ऐसे पत्ती लेते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, ऑटो सजेशन आ जाता है, कम ज्यादा करते हैं फिर डालते हैं। कितने लोगों ने ये किया है? ऑलमोस्ट एवरीबडी। ये भी ऑटो सजेशन है ना। हम मन ही मन खुद से बात करते हैं, यार ज्यादा हो रही है थोड़े कम कर दे, या कम हो गई थोड़ा सा एक्स्ट्रा आधा, ऐसा ऐसे करके लेते हैं, है ना। ये ऑटो सजेशन है। अब खुद के साथ बात करें और प्रोडक्टिव, हेल्पिंग, प्रोग्रेसिव, आगे लेके जाने वाले ऑटो सजेशन पे काम करें। और अगर आपने ये नहीं किया ना, तो आपका टैलेंट चाहे जो भी हो, आप एवरेज बने रहोगे। और अगर आपने ये मन को मैनेज कर लिया, गलगले को मैनेज कर लिया और उसको ट्रेनिंग दे दी, फिर तो आपको जीनियस बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, सभी लड़ाइयां अंदर है, सभी लड़ाइयां अंदर है, कहा है अंदर मन में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवा शैव किम कुरुवत संजय। तो भगवद गीता का यह पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। तो उन्होंने युद्ध के घटना स्थल का वर्णन कैसे किया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला शब्द क्या है? धर्म क्षेत्र। अब धर्म क्या होता है? वैल्यूज की, बिलीफ की लड़ाई, इसे कहते हैं धर्म, है ना। व्हाट इज योर ड्यूटी, व्हाट इज योर धर्म? तो आपको क्या लगता है आपके लिए क्या सही है, मतलब अंदर की आवाज। बोलते हैं ना, दिल की बात सुनी नहीं सुनी। ओके, क्या आपका मन जागृत है? डू यू फील? कुछ लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे मन को अच्छा लगता है तो करो। ओके, तो धर्म क्षेत्रीय शब्द पहला आया है। और मैं आपको बताता हूं, भगवत गीता के पहले श्लोक का पहला शब्द यह है धर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है वो योद्धाओं के युद्ध करने का क्षेत्र है, तो उसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है ना। तो कर्म क्षेत्र बाद में आया, धर्म क्षेत्र पहले आया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। तो वहां पे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये पूछा। किसने पूछा? धृतराष्ट्र ने। तो ये पहले शब्द पे ध्यान दे। धर्म क्षेत्र मतलब ये मन के अंदर चलने वाला द्वंद्व है, मन के अंदर चलने वाली लड़ाई है। और मन आपका, आप कितना भी अच्छा सोचो, वो उसका एग्जैक्ट अपोजिट रिप्लाई देता है, अंदर से आवाज देता है, हाँ या ना। और इसी वजह से दुनिया की 99% महिलाएं कंफ्यूज रहती है, आज नाश्ते में क्या बनाए। धर्म क्षेत्र का संघर्ष चला रहता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो जरूरी चीजें वहीं पे उनको, जैसे कहते हैं ना, बोर होता है, बाकी चीजों में नहीं। मुझे आज तक एक ऐसा बच्चा नहीं मिला, आज तक मैं बता रहा हूँ, 6 साल में लाखों बच्चों को भाषण दिया है, हजारों बच्चों से बात की है, एक भी बच्चा नहीं मिला जो मोबाइल खेलकर बोर हो गया, या जिसने बोर होके मामा मुझे बोर हो गया आज टीवी नहीं लगाते, ऐसा बोलने वाला एक भी बच्चा नहीं। वो स्टडी में क्यों होता है? नेगेटिव ऑटो सजेशन की ट्रेनिंग आ चुकी है अंदर से। तो खुद की मदद करे और खुद को जीनियस बनाने से ना रोके, पॉजिटिव ऑटो सजेशन प्रैक्टिस करे। मुझे पूरा यकीन है कि टॉपिक आपको हेल्प करेगा। तो आप सभी को मनपूर्वक शुभेच्छा, शुभकामनाएं।
आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।